हाउस पर जो बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो उसमें दो तीन चीजों की बात हुई थी। एक तो ये आज तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कौन ईमानदार था कौन नहीं था। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात की थी और वो बात की थी नैब का, नैब की जो इन्होंने एनआरओ लिया है उस केस के हवाले से, और ये कहा था कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, उसकी भी जरा यहां बात कर देना। ये पार्लियामेंट, सर मेरी गुजारिश सुने, ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फोहत के थ्रू वहां पर अकलियत को सिरे पे आपने मुसलत कर दिया। दो सूबाई असेंबलियां आज खाली पड़ी हैं और आईन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं, उसकी भी बात करें। कहते हैं आगे चलें, तो हम तो कहते हैं आगे चलें, दे इलेक्शन की डेट, कराएं इलेक्शन इस मुल्क में, बहाल करें इन असेंबलियों को, बात करें वहां पर अवाम की, जाएं अवाम की अदालत में। और ये जनाब के अटॉर्नी जनरल और ये जनाब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाप अप, ये नहीं, अदालतों के सारे फैसले तस्लीम करें या ना करें, फैसला करें। आप तो अदालत का कोई फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अदालत कहती है इलेक्शन कराएं, आप कोई जुम्बश ही नहीं होती है। अदालत कहती है बलदाती इलेक्शन कराएं, आप हिलते नहीं है। अदालतों की एहतराम करना है तो फिर आईन का एहतराम करें पहले, और अदालतों के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करें। शुक्रिया।